नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं अनैत टीवी लाइव। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़ी खबर इस वक्त की हरदा से आ रही है। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट का मामला, अब तक 6 लोगों की मौत, 60 से ज्यादा घायल, सड़क किनारे पड़े शव, 25 से अधिक घायलों को ले जाया गया हरदा जिला अस्पताल। प्रशासन ने 100 से ज्यादा घर करवाए खाली। धमाके की चपेट में आने से कई राहगीर वाहन समेत उछलकर दूर जा गिरे। फैक्ट्री में रुक रुक कर हो रहे धमाके, जिला अस्पताल हरदा में लगी भारी भीड़, घायलों का इलाज जारी है। हरदा फैक्ट्री में विस्फोट का मामले को लेकर भोपाल में भी जारी किया गया अलर्ट। एम्स और हमीदिया अस्पताल में रिजर्व किए गए बेड। भोपाल CMHO डॉक्टर प्रभाकर तिवारी ने एम्स और GMC में बेड रिजर्व रखने के दिए निर्देश। बोर्न प्लास्टिक सर्जन को ड्यूटी पर तैनात रहने के निर्देश दिए। भोपाल से भी हरदा भेजी जा रही 108 एम्बुलेंस, खंडवा और होशंगाबाद से भी हरदा पहुंची एम्बुलेंस। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह भी पूरे मामले को लेकर कर रहे निगरानी। हरदा के लिए भोपाल से 10 एम्बुलेंस गई हैं रवाना। जी, ये बेड़ागढ़ की पटाखा फैक्ट्री है जहाँ अचानक सुबह ब्लास्ट हुआ है और भीषण आग लगी है, जिसकी वजह से कुछ लोग घायल भी हुए हैं। करीब 20-25 लोग हमने जिला अस्पताल में एडमिट भी कराए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। आसपास के जिलों से हमने एम्बुलेंस, डॉक्टर्स की टीम और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम और NDRF की टीम को भी बुलाया है और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे जिला प्रशासन की ओर से जारी है। सर, कितने लोग हताहत होने की संभावना है? अभी 20-25 लोगों को हमने एडमिट किया है और कुछ लोग क्रिटिकल भी हैं। सर, मौत की कोई आंकड़ा आया क्या इसमें? नहीं, अभी नहीं आया है। और सर, इसमें प्रशासन ने क्या व्यवस्था बनाई है घायलों को उपचार? हम लोग फायर ब्रिगेड भी हमने पर्याप्त मात्रा में लगाए हैं और आसपास के जिलों से भी हमने हेल्प मांगी है। वहाँ से भी जब हमें फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस आ जाएंगी, उससे भी हम लोगों को राहत पहुँचाएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे अनंत टीवी लाइव के साथ। नमस्कार।